हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आकृति। और मैं हूँ कीर्ति। आज मैं अपने इस नए वीडियो में आप सबके लिए लेकर आई मिंत्रा हॉल वीडियो। जैसे कि हम सब जानते हैं 26 जनवरी आने ही वाली है, तो हर एक जगह पर आपको रिपब्लिक डे सेल दिखेगी, तो उस सेल में आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलता है। उसी तरीके से मिंत्रा ने भी रिपब्लिक डे सेल लगाई है 15 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक, तो वहाँ पर आपको हर एक ब्रांड पे 50-80% ऑफ मिलता है। तो उसी सेल में से मैंने भी अपने लिए कुछ चीज़ें ली हैं, तो आज के वीडियो में आपसे वही शेयर करूंगी। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, हिट द लाइक बटन, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर इट। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट, जैसे आप मैं अपने देख सकते हैं, ये दोनों पुलोवर स्वेटर्स जो मैंने मिंत्रा सेल से लिए, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फर्स्ट, जैसे आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, इन अ बेबी पिंक और वाइट कलर की कॉम्बिनेशन में पुलओवर स्वेटर है। आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्रिटी और क्यूट सा कलर लग रहा है। इन अ राउंड नेक का ये स्वेटर है, आप देख सकते हैं। तो स्लीव्स कुछ इस तरीके की है इसकी, आपको दूसरी स्लीव भी दिखा देती हूँ। और जो इसकी बैक है वो टोटली प्लेन है, पिंक कलर की, कुछ इस तरीके की। तो मैं आपको इसके ब्रांड के बारे में बता देती हूँ, द रोड्स चक्कर की ये ब्रांड है। इसमें जो मैंने अपना साइज ऑर्डर किया था, स्मॉल साइज ऑर्डर किया है इसमें, तो कंपनीज का जो प्राइस रिटेल करती है वो है 1600 रुपये, बट मुझे मिंत्रा सेल से ये सिर्फ और सिर्फ 600 या 650 रुपीज का मिला है, नॉट मोर देन दैट। तो इसका जो फैब्रिक है, वूलन फैब्रिक है, तो फैब्रिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा लगा मुझे इसका, और वार्म भी है इसका फैब्रिक। आप देख भी सकते हैं इसका क्यूट सा, कितना कलर कितना क्यूट है। तो इस सेम कॉम्बिनेशन में ही एक और कलर मिल जाएगा आपको इस स्वेटर में, वो है नेवी ब्लू और रेड कलर का। जब मैं आपको इसका लिंक दूंगी स्वेटर का, तो आप ओपन करेंगे तो जो सेकंड कलर है आप वो देख सकते हैं, बट मुझे ये वाला कलर बहुत ज़्यादा क्यूट लगा। आप इस वाले पुलओवर स्वेटर को अपनी ब्लैक जीन्स के साथ भी कैरी सकते हैं, डेनिम ब्लू जीन्स के साथ भी कैरी कर सकते हैं। इवन आप अपनी जो डेनिम स्कर्ट्स होती हैं, विंटर में कई लोग स्कर्ट्स भी कैरी करते हैं विद वार्म स्टॉकिंग्स के साथ, आप उसके साथ भी कैरी करते हैं, तो ये स्कर्ट्स के साथ बहुत ज़्यादा प्रिटी और क्यूट सा लगता है आपका आउटफिट, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो भी आपको मैं दिखा देती हूँ, वो कुछ इस तरीके का है, ब्लैक और रेड स्ट्रिप का ये स्वेटर है, ठीक है। पूरे स्वेटर पे ब्लैक और रेड स्ट्रिप का पैटर्न है पूरे, आप देख सकते हैं आगे भी और पीछे भी, ठीक है। और इसका जो नेक है वो कुछ तो कुछ ऐसे हाई नेक की तरह ही है। तो ये भी रोडस्टर का ही ब्रांड है, और इसमें भी मैंने अपना साइज़ जो है स्मॉल ऑर्डर किया है। तो आपको बता देती हूँ कंपनी इसका जो प्राइस रिटेल करती है वो है 1300 रुपये, बट मुझे मिंत्रा से ये 380 रुपीज़ का मिला है, नॉट अ बैड डील। तो इसका फैब्रिक जो है एज़ कम्पेयर टू दिस, इसका फैब्रिक मुझे थोड़ा लाइट लगा, और ये इसका जो फैब्रिक है मुझे सॉफ्ट और वार्म ज़्यादा लगा। ऐसे वाले स्वेटर्स जो हैं, आप विंटर की स्टार्टिंग होती है, विंटर एंड होने लग जाते हैं जब थोड़ी सी कम ठंड होती है, तो आप उस तब इस स्वेटर्स को कैरी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप ऐसे वाले स्वेटर्स को अपनी ब्लैक डेनिम जीन्स के साथ कैरी करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आप देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन की साइड में, इसको मैंने डाल के दिखाया भी हुआ है, ठीक है। तो ये वाला स्वेटर मुझे अच्छा लगा, और नॉट अ बैड डील जैसे मैं बता चुकी हूँ। तो इन दोनों का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँ। तो नेक्स्ट, मैंने मिंत्रा से ये बॉम्बर जैकेट लिया, जैसे आप अपने हाथ पे देख सकते हैं, इन अ मेहरून और ब्लू कलर की स्ट्रिप्टेड जैकेट है। इन मॉक इसका कॉलर है कुछ इस तरीके का, तो ये जैकेट कुछ इस तरीके की दिखती है आगे से और पीछे से भी, आप देख सकते हैं। और स्लीव्स कुछ लॉन्ग स्लीव्स है कुछ इस तरीके की, ठीक है। और इसके दोनों साइड में ऐसे पॉकेट है कुछ ऐसे, आप देख सकते हैं। और नीचे इलास्टिक है। तो मैं इसकी प्रोडक्ट की जो है इसके फैब्रिक की बात करूँ, तो पॉलिस्टर फैब्रिक है बाहर और आउटर का, ठीक है। वैसे मैंने जब ट्राई की थी तो बहुत ज़्यादा वार्म लगी मुझे इसकी क्वालिटी, जैकेट की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ऐसी बॉमर जैकेट जो है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड और फैशन में इन है। इसकी जो जिप की क्वालिटी है आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, वो भी कितनी ज़्यादा स्मूथ और फाइन है। तो कंपनी का नाम है मस्ट एंड हर्बर। तो कंपनी इसका जो प्राइस रिटेल करती है वो है 3600 रुपये, ठीक है। मुझे मिंत्रा से ये सिर्फ और सिर्फ सेल में 1200 रुपये की मिली, नो डाउट बहुत अच्छी क्वालिटी लगी मुझे इस जैकेट की। इसमें मैंने अपना स्मॉल साइज़ ऑर्डर किया, आप देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन के साइड में, मैंने इसको डाल के दिखाया हुआ है कितनी ज़्यादा स्टाइलिश और कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही, और बहुत ज़्यादा
वॉर्म है ये जैकेट, मुझे बहुत ज़्यादा क्वालिटी इसकी अच्छी लगी। और इसको आप मशीन वॉश कर सकते हैं, इन्होंने इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है कि इसको आप या तो ड्राई क्लीन या मशीन वॉश कर सकते हैं अच्छे डिटर्जेंट के साथ। तो जो इसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। तो नेक्स्ट जैसे आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये पिनाफोर ड्रेस है इन अ ब्राउन और आप रस्ट कलर भी कह सकते हैं, तो आपको दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरीके की सी ड्रेस है, आप देख सकते हैं ये वी नेक है, डीप वी नेक है और पीछे से भी वी नेक है, कट स्लीव्स की ड्रेस है, ठीक है। तो ये वाली ड्रेसेज जो पिनाफोर ड्रेसेज है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड और फैशन में इन है, आप इनको टू वे में कैरी कर सकते हैं, आप समर में भी तो इसको डाल सकते हैं, इसके अलावा विंटर्स में भी ऐसी वाली ड्रेसेज डाल सकते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन की साइड में देख सकते हैं, ये वाली ड्रेस को मैंने अपने ब्लैक कलर के स्वेटर के साथ कैरी किया हुआ है और नीचे जो मैंने वार्म लेगिंग्स डाली हुई है और बूट्स डाले हुए हैं। तो आप भी इसी तरीके की ड्रेसेस को विंटर में भी कैरी कर सकते हैं और इसके अलावा आप समर में इनको अपनी ब्लैक और वाइट टी शर्ट के साथ भी कैरी कर सकते हैं। तो ये ड्रेसेस आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया, आप देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ये कलर कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो मैंने इसमें अपना जो साइज़ है स्मॉल साइज़ ऑर्डर किया था, ठीक है, और ब्रांड नेम है टोक्यो टॉकीज और कंपनी जिसका प्राइस रिटेल करती है वो है 1300 रुपये, बट मुझे मिंत्रा से ये सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये की मिली है। तो मुझे इसका जो फैब्रिक है पॉलिस्टर फैब्रिक है, तो मुझे फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। तो नेक्स्ट मैंने मिंत्रा से लिया H&M का क्रॉप टॉप, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कितना ज़्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल सा ये क्रॉप टॉप है, आप देख सकते हैं आगे से कुछ ऐसा है, पीछे से कुछ ऐसा है और नीचे इसके यहाँ पर पूरा इलास्टिक दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें टोटल टू कलर्स आते हैं, एक आप मेरे हाथ पे देख सकते हैं ब्लू विद अ वाइट स्ट्रिप और एक आता है ब्राउन विद अ वाइट स्ट्रिप। तो मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा क्यूट और प्रिटी सा लगा, अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो इसमें मैंने जो अपना साइज़ ऑर्डर किया स्मॉल साइज़ ऑर्डर किया है और जो कंपनी इसका प्राइस रिटेल करती है वो है 1300 रुपये, बट मुझे मिंत्रा से ये सिर्फ और सिर्फ 390 या 400 रुपीज़ का मिला है, नॉट मोर देन दैट। जो H&M के कपड़े लेते हैं तो उनको पता होगा कि H&M के जो आउटफिट्स होते हैं या कपड़े होते हैं बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, ऑन प्राइस पे तो बहुत रेयर होता है कि H&M पे इतना अच्छा डिस्काउंट मिले। तो ये वाला टॉप जो है मैंने अपने समर के लिए लिया है, तो इसका जो फैब्रिक है कॉटन फैब्रिक है, तो कॉटन फैब्रिक समर के लिए काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप इस टॉप को, इस क्रॉप टॉप को आप कैरी कर सकते हैं अपनी हाई वेस्ट जीन्स के साथ भी, डेनिम स्कर्ट के साथ और शॉर्ट्स के साथ भी, तो ये बहुत ज़्यादा क्यूट और प्रिटी लगता है। तो मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। तो नेक्स्ट मैंने मिंत्रा से अपने लिए स्मॉल सर्कुलर गोल्डन कलर के हुप एयरिंग्स लिए हैं, तो ब्रांड नेम है लिली एंड स्पार्कल। तो MRP जो कंपनी इसकी रिटेल करती है हुप एयरिंग्स की वो है 949 और बाकी सारे डिटेल्स आप देख सकते हैं, इन्होंने इस स्टिकर पे प्रिंट कर रखी है, ठीक है। तो आपको मैं हुप एयरिंग्स दिखा देती हूँ। तो हुप एयरिंग्स ऐसे किस एक प्लास्टिक बॉक्स में आते हैं, तो कुछ इस तरीके के ये हूप एयरिंग्स हैं, आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल से स्मॉल हूप एयरिंग्स हैं। ऐसे वाले हूप एयरिंग्स जो है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में इन है, बड़े वाले जो हूप एयरिंग्स होते हैं वो तो ट्रेंड में हमेशा से थे ही, आजकल ये छोटे वाले हूप एयरिंग्स भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं। तो लिली एंड स्पार्कल से मैंने लिए हैं, तो ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ के मिले हैं मिंत्रा से, मिंत्रा की सेल से। जब मैं लिली एंड स्पार्कल की में एयरिंग्स चेक करी थी तो वहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी और फैशनेबल एयरिंग्स दिखे और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे भी है, और ये एक रीज़न है कि बहुत जल्दी उसके उस ब्रांड के एयरिंग्स जो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। तो मुझे ये एयरिंग्स पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, ठीक है। तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। तो नेक्स्ट जैसे आप मेरे हाथ में देख सकते हैं ये वैन हुसैन का बॉक्स है, इसमें मैंने अपने फ्लैट फुटवेयर लिए हैं मिंत्रा से, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो वो फुटवेयर्स कुछ इस तरीके से हैं, आप देख सकते हैं इन नेवी ब्लू कलर कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ये वाले फुटवेयर्स, ठीक है। तो इसमें कुशन फुटपैड भी है, जैसे हम कहीं फुटवेयर्स डालते हैं जिनका फ्लैट होते हैं जो, तो उनको डालने के बाद हमारे फुट्स में पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं क्योंकि इसमें कुशन फुटपैड्स हैं, ठीक है। इसमें मैंने अपना साइज़ 3 ऑर्डर किया था इन फुटवेयर्स में, ठीक है। जो कंपनी इसका प्राइस रिटेल करती है वो है 1000 रुपीज़, बट मिंत्रा सेल में सिर्फ और सिर्फ मुझे 400 रुपीज़ के मिले हैं ये वाले फुटवेयर्स, आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा अच्छे हैं। जब मैंने इनको ट्राई किया मुझे काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल भी लगे ये, ठीक है। और इसमें आपको काफ़ी सारे कलर्स ऑप्शन मिल जाते हैं, पिंक
ग्रे, एक इसमें ब्लैक, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो मैं इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन दूंगी इन फुटवेयर्स का, तो आप बाकी वो फुटवेयर्स के कलर्स देख सकते हैं। जैसे कि ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और नॉट अ बैड डील, तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो नेक्स्ट इसे आप हाथ में देख सकते हैं, मैंने बैकेट का वॉलेट लिया है, वुमेन वॉलेट, आपको मैं दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि कुछ बेज और ब्राउन कलर का है, पीछे एक ऐसी जिप है इसमें जिसके अंदर आप अपने कॉइन्स रख सकते हैं ईजली, ठीक है। ये फोल्डेड, थ्री फोल्डेड वॉलेट है कुछ इस तरीके का, आप देख सकते हैं ईजली। आप अपने इसमें कार्ड्स रख सकते हैं, कार्ड्स के लिए भी दिया हुआ है और इनफ स्पेस है, आप अपना कैश कैरी कर सकते हैं इसके अंदर। तो कंपनीज जो इसका प्राइस रिटेल करती है वो है 790 रुपीज़, ठीक है, बट मुझे मिंत्रा सेल से आई थिंक सो ये 450 का मिला, ये 400 या 450 रुपीज़ का मिला है। नो डाउट क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, पीयू लेदर है इसका, तो ईज़ली आप इसको इसके ऊपर जो भी कोई डस्ट लगता है या कुछ भी लग जाता है आप ईज़ली इसको वाइप ऑफ करते हैं। जो पीयू का मटीरियल होता है काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग और ड्यूरेबल होता है, तो जो मैं इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। होप आप सबको मेरा नया वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल, हिट द लाइक बटन, और हाँ वीडियो को शेयर करना ना भूले। तो चलिए जल्दी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।